हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसका नाम है NGT। कई बार आप लोग इधर भी सुनते जा रहे हैं कि NGT ने ये रुक लगाया, NGT ने ये आदेश दिया, NGT का ये रिपोर्ट आया। तो यार, ये NGT है क्या, इसके बारे में डिटेल से कवर करेंगे। ये न्यूज अभी हाल ही में तब सुनने को मिला है जब अचानक से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और फिर से अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लागू कर दिया 8 इवन रूल को लागू किया जाना सुनिश्चित हो गया है। तो अचानक से ये बढ़ने के बाद NGT की कई बार रिपोर्ट आई और गंगा की सफाई को लेकर भी कई बार रिपोर्ट हमारे सामने आती है कि NGT ने ऐसा कहा और केंद्र सरकार से फटकार लगाई। तो ये सारी बातें जो हम सुनते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई और NGT का काम क्या होता है, तो आइए बात करते हैं NGT के ऊपर। देखिए, NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। NGT हिंदी में बात करेंगे तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 19 अक्टूबर 2010 को। एकदम ध्यान से देखते चलिए, इसकी स्थापना हुई थी 19 अक्टूबर 2010 को और अधिनियम जो बना वो बना NGT एक्ट, हरित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, ठीक है। जो एक्ट बना वो भी 2010 में बना, बिका था वो भी 2010 में, कब, 19 अक्टूबर को। काम क्या है इस NGT का, तो याद रखिए, पर्यावरण, वनों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए इसके स्थापना किया गया था। फिर से मैं बता रहा हूँ, पर्यावरण, तो क्या दिल्ली में ये जो इशू हुआ है ये पर्यावरण संबंधित इशू है? बिल्कुल इशू है भाई, वायु प्रदूषण, अगर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारी चीज़ें तो पर्यावरण संबंधित ही है। इसके अलावा वनों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों, अगर मैं गंगा सफाई की बात कर लूँ तो किसके अंडर में आएगा, प्राकृतिक संसाधनों संबंधी मामलों। तो इस तरह का अगर कोई भी मामला हमारे देश में होता है तो उसकी सुनवाई किसके द्वारा की जाएगी, तो याद रखिएगा आप, NGT के द्वारा की जाएगी। NGT का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है, याद रहेगा ना दोस्तों, NGT का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। आइए इसके बाद देखिए, इतनी बातें आप समझ गए ना। यहाँ पे दो बातें आपको याद रखना था, पहली बात तो याद रखना था कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 19 अक्टूबर 2010 में और अधिनियम भी 2010 में। अब आगे बात करते हैं कि जो NGT है ना, इसको उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया, हाई कोर्ट के सिमिलर इसकी पावर निर्धारित की गई है, ठीक है। ऐसे ही नहीं NGT किसी को फटकार लगा देता है। NGT का जो दर्जा है वो किस लेवल का है, हाई कोर्ट के लेवल का है, ठीक है। और इसकी कुल 4 अलग अलग बेंच भी बनाई गई हैं। कितनी बेंच हैं, 4 अलग अलग बेंच में बनाई गई हैं। कानून के अधिनियमन में इसकी देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, तो मैंने देखिए ऊपर वाली लाइन में लिखा है और यहाँ से प्रेजेंटेशन के माध्यम से शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश की है, तो मैं इसको बता रहा हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। जून 1972 की बात मैं करता हूँ, जून 1972 में स्टॉकहोम में, अब बात आती है स्टॉकहोम की, तो स्टॉकहोम है कहाँ पर, ठीक है। स्टॉकहोम जो है दोस्तों, ये स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है, यहीं से नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं, तो वहीं की मैं बात कर रहा हूँ, स्वीडन स्टॉकहोम में। वहाँ पर 1972 में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ, किससे संबंधित, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। प्रोग्राम का नाम क्या था, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। कब हुआ, 1972 में, सबसे पहले पर्यावरण को लेकर के ध्यान में रख करके कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन किया गया, ठीक है। फिर 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जहाँ पे अभी पिछले साल का ओलंपिक हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पड़ता है, ब्राज़ील का एक शहर है, तो वहाँ पर रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया। ऊपर भी देखिए मानव पर्यावरण पर किया गया था, यहाँ जो कहा गया कि नहीं, सिर्फ हमारा मुद्दा मानव पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा, हमारा मुद्दा पर्यावरण एवं विकास पर एक सम्मेलन करने का है, ठीक है। और ये कब हुआ, 1972 में, कितने साल बाद, टोटल 20 साल बाद, 20 ईयर्स, ठीक है, 20 साल बाद 1972 में हुआ था, फिर 1982 छोड़ करके 1992, ठीक है, 20 साल बाद जून महीने में ही रियो डी जेनेरियो में प्रोग्राम हुआ। नेक्स्ट में फिर क्या हुआ कि लोगों को लगा कि नहीं, हमको पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए, समझना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए अनुच्छेद 21 के तहत किस में, अरे हम किसकी बात करें, किस में, अनुच्छेद 21 में बात करूँ, जो अधिनियम बना था उसके अनुसार, ठीक है। तो देखिए, भारत में न्यायिक उद्घोषणाओं के अंतर्गत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का संविधान में भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उल्लिखित है।
अभी हम आगे बात करेंगे जो अधिनियम बना था उसकी धाराओं के बारे में, क्योंकि देखिए जो अधिनियम होता है ना उनकी धाराएं होती हैं, अनुच्छेद नहीं होता। कभी भी याद रखिएगा, अनुच्छेद हमेशा संविधान का होता है और धाराएं हमेशा अधिनियम की होती हैं। इसीलिए जब हम आईपीसी सीआरपीसी ये सब देखते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि धारा 302 305 307 201 इस तरह से धारा पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ अनुच्छेद नहीं पढ़ते हैं। अनुच्छेद हम कब पढ़ते हैं? जब हम बात करते हैं संविधान की। तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ना, उसमें भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकारों को उल्लेखित किया गया, बताया गया है, और इसको जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। क्या माना गया? जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, जिसके अंतर्गत हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया और इसे पर्यावरण से संबंध बहु अनुशासनात्मक मुद्दों पर निर्णय की न्यायिक अधिकारिता भी प्रदान की गई। तो याद रखिएगा, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दिया गया है। अगर हम एनजीटी के अंदर बात करें, एनजीटी का जो अधिनियम आया था 2010 में, अगर उनसे उसके अनुसार बात करें तो ध्यान दीजिएगा, उसकी धारा 14 है एक, उस धारा 14 में इस बात को बताया गया है कि अधिकरण को सभी दीवानी मामलों, याद रखिएगा, सभी प्रकार के दीवानी मामलों जहां पर्यावरण संबंधित तात्विक प्रश्न निहित हो, न्यायिक अधिकारिता प्रदान की गई है। किसी भी दीवानी मामले में जहां पर्यावरण संबंधी कोई मुद्दा हो, कोई मामला हो, वहां पे इसको न्यायिक अधिकारिता प्रदान की गई कि ये जो है अपने हिसाब से उस मैटर को डील करेगा और जब बताएगा कि उस सवाल का क्या जवाब है। धारा 14। धारा 15 के अंतर्गत एक और बात है जो आपको जानने के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पूरी की पूरी धारा तो मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है धारा 15 में कि प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय क्षति के कारण पीड़ित को राहत एवं मुआवजा प्रदान करने की शक्ति, संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति जो भी पर्यावरण संबंधी होगा, तथा पर्यावरण नुकसान की क्षतिपूर्ति की शक्ति दी गई, मतलब हर तरह के कंपनसेशन का भी यहाँ पे बाकायदा उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? एनजीटी की धारा 15 पर। और किस तरह से इसका उल्लेख किया गया? तो कहा गया है कि इस न्यायाधिकरण को पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन करने वालों पर 3 वर्ष तक की कारावास, कितना दोस्तों? 3 साल तक का कारावास तथा 10 करोड़ रुपये, अगर निगम का मामला है तो 25 करोड़ रुपये की तक का सजा देने का ये अधिकार होगा इसके पास। तो जो हम लोग फटकार सुनते हैं कि गंगा सफाई को लेकर फटकार लगा सकती है, हाँ, एनजीटी के पास इतना भी पावर है कि वो इनके ऊपर जुर्माना भी चार्ज कर सकती है, ठीक है? कितने तक? 10 करोड़ तक, अगर ये निगमी मामला है तो फिर 25 करोड़ तक, और बाकी अब कारावास देख ही रहे हैं कितने साल तक, 3 साल तक। न्यायाधिकरण की बाधा रहित कार्य करने की अवस्था को प्रदान करने के लिए कि जो न्यायाधिकरण है ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपना काम करे, इसके लिए अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत भी कुछ बातें कही गई हैं। अभी हमने धारा 14 देखा, फिर धारा 19 देखा, 15 देखा, फिर 19 देखा। देखिए, धारा 14 फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, वहाँ हमने पढ़ा कि दीवानी मामलों में यदि पर्यावरण संबंधी मामला है तो, ऐसा नहीं कि जला क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई खेत वेत का मामला है तुरंत सब चला गया एनजीटी में, ऐसा नहीं। मामला पर्यावरण संबंधी होना चाहिए तभी जो है वो एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो धारा 14 वहाँ पे था। धारा 15 अभी आपके सामने बोला कि कंपनसेशन को लेके होगा कि अगर कोई भी आदमी बार बार पर्यावरण क्षति कर रहा है या फिर वो एनजीटी के दायरे में आ रहा है तो एनजीटी उस पर 3 साल तक का कार्यवाही भेज सकती है और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है, और निगमी संस्था कोई हो अगर तो उस पर 25 करोड़ तक का जुर्माना चार्ज कर सकती है, ठीक है? इसके बाद धारा 19 के अंतर्गत जो है यहाँ कहा गया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तकनीकी पहलू लागू होने के, मतलब पहलू होने के बावजूद यह प्रक्रिया संहिता न्यायाधिकरण के कार्य को बाधित नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी को बता करके कोई हमारे रास्ते में रोड़ा बने, ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यायाधिकरण का कार्य तुलनात्मक रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को निर्देशित करता है, इसलिए इसके बीच में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी संबंधी हो चाहे वो किसी संबंधी, तो बाधा नहीं आनी चाहिए, ये दिया गया धारा 19 में। फिर है धारा 22। धारा 22 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगर कोई भी परेशानी हो रही है, अगर उसका गलत सुनवाई लग रहा है कि नहीं न्यायाधिकरण गलत फैसला किया, गलत तरीके से हमारे ऊपर जुर्माना लगा रहा है और फिर हमें कारावास भेज रहा है, तो एक रास्ता आपके पास है कि फिर आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि इसका जो दर्जा है वो हाई कोर्ट के बराबर है, ठीक है? और ये बात लिखी है धारा 22 में, न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर सिविल न्यायालयों को कोई भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा, उनकी न्यायिक अधिकारिता इसका काम
नहीं करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, सिविल न्यायालय की न्यायिक अधिकारिता यहाँ पर लागू नहीं होंगी। केवल अगर इनके विरुद्ध जाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के अस्तित्व में आने से पूर्व में कार्यरत राष्ट्रीय पर्यावरण न्याय अधिकरण अधिनियम, ऐसा नहीं कि NGT 2010 में आई, तो NGT से पहले हमने कोई पर्यावरण संबंधी कानून नहीं बना के रखा था। हमारे पास कानून था, उस कानून का नाम था राष्ट्रीय पर्यावरण न्याय अधिकरण अधिनियम 1995। जो हमारा कानून था वो कब का था? 1995 का। और एक और था राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। इन दोनों चीज़ों को समाप्त करके तथा इसके अधीन विचाराधीन मामले अब नवगठित प्राधिकरण में स्थानांतरित हो जाएंगे। मतलब NGT में अब इनके ये जो मामले डील कर रहे थे वो सारे मामले अब किसके अंडर में आ जाएंगे? तो NGT के मामले आ जाएंगे, NGT के अंदर में आ जाएंगे, और NGT उन मामलों का फैसला और सुनवाई करेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण में जो सदस्य होते हैं ना वो कितने होते हैं? 20 होते हैं, कुल 20 सदस्यों की टीम होती है। साथ ही मैंने ये बताया कि न्यायाधिकरण की कुल 4 अलग बेंच भी है। ठीक है, तो वहाँ बात बेंच की थी, देखिए, ठीक है, लेकिन यहाँ बात किसकी है? यहाँ बात है सदस्यों की। जो NGT है इसमें कितने सदस्य होंगे? तो इसमें कुल 4 सदस्य, सॉरी, NGT में 4 बेंच होंगे, और सदस्यों की बात होती है कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें से 10 सदस्य होंगे जो न्यायिक क्षेत्र से होंगे और 10 जो होंगे वो गैर न्यायिक क्षेत्र से होंगे। न्यायिक और गैर न्यायिक क्षेत्र, जो गैर न्यायिक क्षेत्र वाले होंगे ना, ये सभी पर्यावरण एवं संबंधित विज्ञानों के विशेषज्ञ होंगे। कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं जैसे उठा के रख लिया NGT में, ठीक है, सबके सब पर्यावरण विशेषज्ञ लोग होंगे जो गैर न्यायिक होंगे। जबकि न्यायिक क्षेत्रों में तो इन लोगों की नियुक्ति होगी। न्यायाधिकरण के गठन से भारत के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाता है जहां यह व्यवस्था है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही पर्यावरण मुद्दों के निपटारे हेतु विशेष अदालतें भी हैं। अभी हाल ही में दोस्तों हम लोगों ने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जो है पर्यावरण संबंधी मामलों को ध्यान में रखकर, पर्यावरण को ध्यान में रखकर के अपने यहाँ की नदियों को जो है उन्होंने राष्ट्रीय का दर्जा दिया है। उसी तरह से फिर उत्तराखंड ने हमने देखा कि जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया। राष्ट्रीय नदी इन द सेंस, जैसे राष्ट्रीय नदी तो वैसे गंगा है, ठीक है, लेकिन हम उसको क्षति नहीं पहुँचा सकते हैं, इस तरह का दर्जा मिल गया है। उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया कि वहाँ की किसी भी झील, पर्वत, नदी, पठार, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, अब उनको कोई व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो इस तरह से नियम आया। आइए, न्यायाधिकरण संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो है वो निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या बातें हैं, कुछ बातें जो आपको जानने योग्य हैं। पर्यावरण से क्षति होने पर आम आदमी पर भी वाद दायर कर सकेगा। ठीक है, अगर पर्यावरण से क्षति होने पर कोई भी आदमी जो है वाद दायर कर सकेगा। न्यायाधिकरण को विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया है। इसमें विभिन्न एजेंसियों के मध्य पर्यावरण संबंधी वादों का निपटारा भी किया जाएगा। इसमें अदालतों में मुकदमों के लंबित होने से मुक्ति मिलेगी। सर्किट बेंच को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मामले सुनने की अनुमति होगी। ट्रिब्यूनल के विरुद्ध अपीलीय उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है अपील। किसी व्यक्ति के निहित स्वार्थ या फिर राजनीतिक रूप से प्रेरित या किसी प्रकार के प्रचार की हासिल करने के मंतव्य से दाखिल की गई जनहित याचिका पर गौर नहीं किया जाएगा। तो ये सारे जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें रहे, और इतना ही दोस्तों NGT के बारे में। अगर आप इतनी बात जानते हो तो पर्याप्त है आपके लिए। तो अभी कोई भी इशू होगा ना, तो वहाँ पे NGT को लेकर के आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों Study 91 चैनल, और यहाँ पर आपको सभी विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार आप ओपन करें Study 91 को, सर्च करें यूट्यूब पर, और आप प्लेलिस्ट में चेक करें, और जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, साइंस टेक हो, साइंस हो, या फिर ज्योग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको कमज़ोर लगता है वो आप देख सकते हो वीडियो एक बार वहाँ पे, और बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे नॉलेज वहाँ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।